भट्टी साहब, दो तीन चीजें जो मियां जावेद लतीफ साहब ने, जो मैंने इनका वन टू वन किया, एक्चुअली वन टू वन मियां साहब का इतना हिट हो गया कि अगर ना भी वन टू वन हो तो मुझे कहना पड़ रहा है वन टू वन। ये वन टू वन जो मैंने किया 17 मिनटों का, उसमें तीन चीजें बड़ी उभर के सामने आई है। बारी बारी भट्टी साहब आपसे पूछ लेता हूँ, 5 मिनट निकाल दें अपने। अच्छा, मैं तो सवाल पूछे सर बीच में। अच्छा अच्छा, ऐ चारे साल के ऐ बोल देते, चुप कर जाते, बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब, पहली बात तो पहली बात तो भट्टी साहब ये है कि ये फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है और जर्नैलों का, रिटायर्ड जर्नैलों का इंतसाब नहीं हो रहा और इन्होंने लिस्ट गिनवा दी है और इनको इस बात की बहुत ज़्यादा वो है, तो इसमें क्या गलत बात है? बात तो बेचारे सही कर रहे हैं लेकिन बात गलत किस तरह आई है? और सॉरी भट्टी साहब, मैं मेरे जेन से निकल गया, बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही वो ये कि इंटरनेशनल आलाकार हैं इमरान खान, कॉन्स्पिरेसी उनके साथ, इंटरनेशनल कुव्वतें खड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इमरान खान पे एक साल में भी तो कुछ सजा नहीं हो सकी। मतलब इन्होंने पूरे अदालती सिस्टम में, पूरे पाकिस्तान सिस्टम में सवाल खड़ा कर दिए। सर अब बोलिए आप। एक भाईजान, एक शेर सुनिए, शेर है आपकी नजर है। उसने एक एक करके छुड़ाए मेरे सारे असूल, उसने एक एक करके छुड़ाए मेरे सारे असूल, कितना दाना था वो के मुझे मारा तन्हा करके। वाह, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मेरे कायदे, मेरे महबूब कायद, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठ कर मुल्की मामलात सुलझाने थे, वो तंदूर दर तंदूर फिर रहे थे और कि रोटी 20 रुपए की जो है वो 16 रुपए की हो जाए, और जो माइनस करने आए थे वो खुद माइनस हो गए। अब मुझे बताएं, दो चीज़ें मेरे भाई ने कही हैं कि इस निज़ाम को ठीक करना है। किस निज़ाम को? जिस निज़ाम में शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं फॉर्म 47 पर, या जिस निज़ाम में मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला हैं? अगर आप निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, दोनों रिज़ाइन करें, बाहर आएँ और बैठ कर निज़ाम को ठीक करें, दोबारा इलेक्शन में जाएँ, निज़ाम को ठीक करें। और अगर आपकी हुकूमतों में हुकूमतें होने के बावजूद आप निज़ाम ठीक नहीं कर रहे तो फिर किसको पैगाम पहुंचा दे रहे हैं? फिर क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी हुकूमतें आपकी, निज़ाम किसने ठीक करना है? दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब आप आए, आपके होते हुए अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर हम क्या करें? बाबा जो बाइडन को कहें कि आके हमारा, मुझे तो खैर कोई ताज्जुब नहीं है कि इनके होते हुए रूल ऑफ लॉ नहीं है, बन जाए जी जी। और फिर तीसरी बात, कानों तक रसाई, इमरान खान के कानों तक रसाई जिसकी है वो तो इमरान खान जाने, शाहिद खाकान अब्बासी के कानों तक रसाई किसकी है जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत के बस की बात ही नहीं है कि ये मसाइल हल कर सके? शाहिद खाकान अब्बासी के कानों की रसाई तक किसकी रसाई है कि जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जिम्मे 2 एक्सटेंशन हैं, इसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी और छुट्टी कराएंगे जरदारी साहब? और राणा सनाउल्ला के कानों के तक किसकी रसाई है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को सारी जो सजाएं मिली हैं वो गलत हैं और हम साढ़े तक ना रहना, ना सानू अक्सरियत मिली है सादा, ना नवाज शरीफ वजीर आजम बने हैं और ना अब हम अपने वादे जो हमने किए हैं वो तो विड्रॉ कर गए हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज और नवाज शरीफ तंदूर दर तंदूर फिर रहे हैं, बात सुनिए, दूसरी तरफ नवाज शरीफ तंदूर दर तंदूर फिर रहे हैं कि रोटी सस्ती हो, एक तरफ ये कह रहे हैं उन साढ़े तो ना रहना, साढ़ा कोई हाल नहीं। और फिर जावेद लतीफ साहब के कानों तक किसकी रसाई है कि जो कह रहे हैं कि साढ़े पल्ले है ही कुछ नहीं, जो कह रहे हैं कि इस निज़ाम को ठीक करना है, जो कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है, और उनके और जावेद हनीफ अब्बासी के कानों तक किसकी रसाई है जो कह रहे हैं कि ये जावेद लतीफ लीडरशिप से खेल रहे हैं, इनको तो मैं अकलमंद समझता था। इस और वो उस शख्स का नाम बताएं जिनको इन्होंने कहा है कि मैं मेरे हलके की रिकाउंटिंग कराएं और उसने कहा था कि नवाज शरीफ के हलके की भी करा लें। अच्छा, फिर अता तारड़ के कानों तक रसाई किसकी है जो कह रहे हैं कि जावेद लतीफ और राणा सना को पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह बात करनी चाहिए थी, ये बाहर बातें क्यों कर रहे हैं? और फिर ख्वाजा आसफ तक रसाई किसकी है जो कह रहे हैं कि खैर से ये जो जनरल बाजवा और मैं जनरल फैज़ को लाऊंगा, पार्लियामेंट में बुलाऊंगा, और साथ ही पूरे वो बाकी पूरी पार्टी कहती है कि नहीं। और फिर नवाज शरीफ साहब के कानों तक किसको रसाई है जो एक तरफ बेटी को वज़ीर आला, भाई को वज़ीर आज़म बनवा कर कह रहे हैं हमारी तो हुकूमत बंधी हुई है, नोज़ल हैं हम। क्या खूबसूरत नोज़ल हैं आपके, आपकी मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, आपने हारा हुआ इलेक्शन जीत लिया है, ये कैसी नोज़ल है?
तो ये कौन लोग हैं, किसकी हुकूमत है, क्यों इक्तदार में आए हैं, इनसे रूल ऑफ लॉ नहीं ठीक होता, निजाम ठीक नहीं होता, इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो सोमालिया चले जाए या हमें भिजवा दें, ये किस वजह से यहां बैठे हुए हैं और ये जो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, अपोजिशन भी खुद, हुकूमत भी खुद, इनकलाबी भी खुद, मजामती भी खुद, एक दो और दो दो पराठे और दो दो चोपड़ियां आई हैं, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, ये ड्रामे पुराने हो गए हैं, अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है, डिलीवर करें, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, छोड़ें उसको वो इंटरनेशनल आलाकार, अगर वो इंटरनेशनल आलाकार है, कितनी इंटरनेशनल कुव्वतों ने उसकी रिहाई के लिए कोशिश की है, कितने मुल्क आए हैं, नवाज शरीफ को तो कभी जद्दा ले जाते हैं, कभी लंदन ले जाते हैं, उसको लेने के लिए कितने लोग आए हैं, तो ना इस तरह की लायानी बेबानी बेमकसद बातें करें, गवर्नेंस गवर्नेंस, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, आपने जिस तरह हर मर्तबा कंप्रोमाइज हुकूमतें की हैं, हर मर्तबा डीलें की हैं, आप किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान 9 मई हर दूसरे बात में 9 मई घुसा देते हैं, आपको 9 मई का जवाब देना है कि अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है, रियासत मौजूद है, वो 9 मई का हिसाब लेगी, आप तो खुद ने आपकी मरियम नवाज के जलसों में लगता था कि जिस ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, ये कल तक आप कह रहे थे ये खलाई मखलूक है फौज, ये ख्वाजा आसफ कह रहे थे कौन सी जंग जीती है जो सीना फुला के आ जाते हो, और ये कह रहे थे कि क्या हमें हम पे चढ़े हुए हैं ये फौजी ये जर्नैल, ये कल तक जवेद लतीफ साहब हमें सुनाते थे भाषण के, ये फौज जो है ना इसका इसका कुछ करना पड़ेगा वरना नहीं, और किसने एक मरियम नवाज के खिलाफ एक मुकदमा हुआ तो मेरे भाई जवेद लतीफ ने कहा था मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाऊंगा, तो ये अगर आपकी सोच है, ये अगर आपका किस्सा है, आपके पास तो आप इससे बेहतर है यार हमारी जान छोड़ दे, खुदा के लिए जान छोड़ दे, या इस मुल्क की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे, अगर आपकी हुकूमत है तो माने, नहीं है तो खुलकर बताएं, नवाज शरीफ साहब आए आज सुप्रीम कोर्ट में, 6 जजेस मामले पे भी आप वो मुकर गए हैं, आए इस पे और कहें पाशा का भी एहतसाब करना है, जहीरुल इस्लाम का भी एहतसाब करना है, बंदयाल का भी, खोसा का भी, ये बयानात हवाई फायरिंग छोड़ दें यार, आए ये ड्रामे मुक गए हैं, अब ये फिल्में नहीं चलेंगी, और अगर आपने ये फिल्में चलानी है तो जो हाल आपका पहले हो चुका है वो अब मजीद आपका खराब होगा, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे हमारे मसाइल पहाड़ों जैसे हैं, इस पॉइंट आ गया जी, तनाई और क्या चाहते हैं, इसहाक डार वजीर खारजा बन गए और क्या चाहते हैं, शबाशी वजीर आजम बन गए और क्या चाहते हैं, मरियम नवाज वजीर आला बन गई हैं और क्या चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी को आपने वोट दिया, ऑन चौधरी को आपने जितवाया, और की चाहते हो, वो भी ले लें तो इस मुल्क के मसाइल हल करें जी मियां साहब, उन अह जी गल करना मुदल्लल गल जैसी भट्टी साहब ने की थी कि मैंने इंटरफेयर ना करना, भट्टी साहब जान की मान पाऊं तो अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं भट्टी साहब की खिदमत में जी। भट्टी साहब एक तो आपने जो फरमाया है ना कि मैं फौज के बारे में कहता था, मैंने या मेरी जमात ने आज तक अदारे के मतलब कोई बात नहीं की, अदारे में बैठे लोगों के नाम, ये इमरान खान भी यही कहते हैं कि जी हम भी लोगों के मतलब बात करते हैं, इदारे के मतलब बात नहीं करते, आगे चले फौज का सरबरा फौज फौज होती है, नहीं नहीं कामरान एक सेकंड सर, साथ साथ मैं बताता जाऊं आपको, बात करता था मैं, बात करता था, आज भी करता हूं, आइंदा भी अगर आईन कानून से हट के कोई काम करेगा बात करूंगा, मगर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूँ इतमाई, वो ये है भाई कि क्या हमने जो ये मेरे भाई कहते हैं 9-10 मई को घसीट लेते हैं, क्या 9-10 मई 75 सालों में किसी जमात ने किया है? अगर किया है तो फिर मैं जिक्र आइंदा नहीं करूंगा, और अगर नहीं किया 1999 कभी किसी जमात ने किया है? आर्मी चीफ जहाज में और सैक कर दिया, ये कभी किसी जमात ने किया है? सवाल है मेरा, वैसे किसी ने नहीं किया, तो किसी ने नहीं किया और उस वक्त भी नहीं किया था भाई, आपका तो कोई कसूर है ही नहीं मियां साहब, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, बाकी सब कसूरवार हैं इधर, आप तुसी मरना थोड़ी भाई, मेरी बात यार कामरान जी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, आपका हक है सवाल करना जी, मगर इजाजत दें कि जी जी आपसे बात हो रही है सर, आज तो वन टू वन चल रहा है, कि आप जबरदस्ती किसी को मनवाएं कि आप, मैं आपको नहीं मनवा रहा, आप मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा आपका इल्जाम है, मैं कह रहा हूं कि वो इल्जाम था और इल्जाम था ही तो आपने हाईजैकर बना के मुझे सजा दी और फिर आपने ही वो सजा खत्म की, फिर आपने अफसोस किया कि आप हाईजैकर नहीं थे जब तीसरी दफा मुझे वजीर आजम बनाया गया था। मियां साहब मेरी गल सुन लो, मियां साहब मेरी गल सुन लो, पाकिस्तान होता रहता है, हूँ मैंने तो यह खदशा है कि इमरान खान ने जिन्हें भी केसेस दे, खदशा नहीं है मुझे नजर आ रहा है, कुछ पता नहीं कल इस सारे केसों से वो बरी हो जाए, ये तो हर पॉलिटिशियन के साथ ऐसे होता है,
तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि जब आप कन्विक्ट हुए वो भी क्राइटेरिया नहीं, मैं मान लेता हूं, जब आप बरी होते हैं वो भी क्राइटेरिया नहीं है। अब उसके आगे चले, मैं कामरान साहब, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं, मैं उसको इंडोर्स करता हूं, मगर एक बात जरूर जहन में रखें कि किसी ने पाकिस्तान के अंदर 9-10 महीने नहीं किया, और अगर इमरान खान का जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं भी उसी तरह सुन और देख रहा हूं, ये होता हुआ देख रहा हूं। नहीं, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? आप होता हुआ क्या देख रहे हैं सर? आप होता हुआ क्या देख रहे हैं? क्लियर करें ना बात। मैं जिस तरह 8 फरवरी से पहले सजाएं दी जाना जरूरत थी और सहूलतकारी मयसर थी, उसको मजलूम शो करना था, उसी तरह इलेक्शन के बाद फौरी सजाएं मुअत्तल करना, खत्म करना जरूरत है। अच्छा, अब रुक जाए, इधर रुक जाए, सहूलतकारी रुक जाए, इधर रुक जाए सर, मुझे अब आपसे बात हो रही है ना मियां साहब, अब तो आज तो हाफ 1-to-1 चल रहा है। 8 फरवरी से पहले ये सजाएं देकर इमरान खान को सहूलतकारी किसने की बकौल आपके? मैं जिनके बारे में कहा करता था 9-10 मई से पहले कि सहूलतकारी इसको मयसर है, तो 9-10 मई को फिर खुद एहतसाबी एक अदारे ने करके साबित किया कि सहूलतकारी मयसर थी उसको। आज जरा किसी और अदारे से सहूलतकारी उसको मयसर है, और वो भी अगले दिनों में आपको पता चल वो जाएगा कौन सा है। और मैं ये कह दूं, अगर वो देखें ताकतवर अदारे जो हैं, खुदारा खास्ता अदालतों की बात तो नहीं कर रहे आप, शाहिद साहब का अदारा थोड़ी कर सकता है जी, खुदारा खास्ता अदालतों पे तो नहीं इल्जाम लगा रहे आप मियां साहब? यार मुझे ये कहने की इजाजत होनी चाहिए कि जो जजमेंट आ जाती है दुनिया में उस पर बात की जा सकती है, जो जजमेंट मुझे अच्छा आप मुझे सर आपकी एक बात समझ नहीं आई, बात कर रहा हूं सर आपकी पॉइंट आ गया मुझे एक बात, आप ये कह रहे हैं कि अब भी 8 फरवरी के बाद इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा, सहूलतकारी हो रही है, भट्टी साहब ये कौन है जो रियासत और अदालत के शिकंजे से इमरान खान को छुड़ा लेगा, वो कौन है? मियां साहब तो नाम नहीं बता रहे, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि यार सहूलतकारी पहले भी हुई इलेक्शन से पहले, अब सहूलतकारी में इमरान खान छूट जाएगा, तो रियासत और अदालत के शिकंजों से कौन सहूलतकारी करके छुड़ाएगा इमरान खान को? भट्टी साहब, भाईजान इशू ये है, अब मुझे बताएं कि मैं अगर जब कहता हूं कि नवाज शरीफ मुबैना तौर पर 1-3-0 में लाहौर में हार गए हैं, तो सारे मुझे कहते हैं कि खुदा का खौफ करो वो जीते हुए हैं, लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी कहता है कि नवाज शरीफ की 130 हलका में जीत मशकूक है, वो दोबारा जाएं अवाम में, आप बताएं उनके कान में किसने कहा है? और जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा, और उसको बुलाऊंगा मैं जनरल फैज़ को, और उधर हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमारी पार्टी के एक शख्स ख्वाजा आसिफ भी बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं, पहले मैं कहूं कि मुझे व्हाट्सएप कॉल पर किसी ने जितवा दिया फिर मैं इसके खिलाफ बोल पड़ूं, इससे कोई कद बड़ा नहीं होता, खौफे खुदा करें, अब बताएं मैं क्या करूं?